ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। सत्ता का बदला हुआ रूप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से मदद करती रही है, उन्हीं संघ प्रमुख ने जिस तरीके से खुलकर मोदी जी को नसीहत दी है, वह नसीहत देने के बाद जैसे पूरे देश भर में मोदी और शाह की जोड़ी के ऊपर अब लोगों ने, अपने ही लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। तीसरी पारी नरेंद्र मोदी जी की कैसी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये आर पार की लड़ाई पहली बार मोदी को लड़नी पड़ रही है, जहां अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है और बाहर वाले भी लगातार हमला कर रहे हैं। ख़ास तौर से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जिस तरह से मणिपुर की घटना को लेकर एक चिंता जताई और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वह अहंकार और विपक्ष को दुश्मन मानते हुए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वह भारतीय राजनीति और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं है। अब जो लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं, तो आज जो भी नेटवर्क फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे एकेडमिक शैक्षणिक संस्थाओं में हो, या जो भी सांसद विधायक हैं विभिन्न राज्यों में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति को और मोहन भागवत के कथन को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि संघ हमें क्या कह रहा है। तो जो चिंता प्रकट की है मोहन भागवत साहब ने, उस चिंता के कारण अब ये जितने भी लोग थे जो संघ से जुड़े हुए, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, अब वो वर्तमान सरकार को वो सहयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से एकाएक पूरा फिजा बदल रही है और अपने ही लोग लगातार आक्रमण शुरू कर रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी साहब की मुश्किलें अपने तीसरे दौर के प्रधानमंत्रित्व काल में बढ़ने ही जा रही हैं। इसको निपटाने के लिए जैसे इनके पास एक यही है कि अब इन्हें अपनी ही संस्था में अपनों से लड़ना पड़ रहा है, तो यदि 272 सांसद इनके जल्दी पूरे नहीं हुए तो इन्हें पार्टी से और भी ज़्यादा चुनौतियां मिलना शुरू हो जाएंगी, और वह भी उस कंडीशन में कि जब संघ का यदि ये मैसेज चला गया है कि संघ मोदी और शाह की जो कार्यप्रणाली थी और जो खास तौर से 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया है, उससे संघ बहुत नाराज है। संघ का कहना ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी बात करता है वो सारे सब लोग आपस में बैठ के बात करके और नीतिगत निर्णय लेते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कभी संघ ने आगे बढ़ने की कोई कार्रवाई इतने सालों के इतिहास में कभी की नहीं थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा मोदी के नाम पर लड़ा है, मोदी को एक अवतार पुरुष के रूप में स्थापित करने की जो कोशिश की गई है, मोदी को ही सब कुछ मानते हुए मोदी संकल्प, मोदी के वायदे और मोदी मोदी जो हुआ है, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ज़्यादा नाराज है कि ये जो संगठन है, ये संगठन सभी विचारधाराओं को लेकर, सभी संगठनों को साथ लेकर और एक वैचारिक लड़ाई के जरिए सामाजिक उन्नयन के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहा है, आर्थिक उन्नयन के लिए आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसमें सबके सामूहिक एफर्ट्स होते हैं। लेकिन यदि इसका क्रेडिट कोई एक आदमी लेना शुरू कर दे और एक ही आदमी के नाम से पार्टी जानी जाए, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा था और उसमें संघ को ये कहा गया था कि कम से कम 325 सीटें हम चुनाव जीत के आएंगे, वो 325 सीटें तो हुई नहीं, वो 240 में हो गई, और इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब एक हिसाब से मोदी के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तो यदि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए अनुवांशिक संगठनों का यदि अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें मोदी को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मोदी साहब उनके नागपुर के इस कथन से जो जो बातें उन्होंने कही हैं, यदि अपने कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के अंदर भी दो फाड़ होने की संभावनाएं बनना शुरू हो गई हैं। संघ जिस दिन चाहेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर कोई हो सकता है कि शक्ति परीक्षण की, यदि वो संघ की बात नहीं मानेंगे तो शक्ति परीक्षण की स्थिति भाजपा के अंदर से ही पैदा हो जाएगी और एक बहुत बड़ा जो संघ समर्थक सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से अपनी दूरियां बनाने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति पहली बार भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है और संघ प्रमुख ने भी, मोहन भागवत साहब ने जिस आक्रामकता के साथ अपनी बात कही है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और यदि अभी अध्यक्ष का चुनाव होना है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्रा के और उड़ीसा के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, कल वह इटली चले जाएंगे। 24 जून से संसद का सत्र बुला लिया गया है जहां पर सदस्यों की सदस्यता और शपथ दिलाई जाएगी और जुलाई माह में बजट आना है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सरकार के पास काम भी बहुत हैं, उन्हें अपने सहयोगी दलों के एनडीए के साथ अपने समन्वय को भी बनाए रखना है, वहीं विपक्ष के साथ भी अब उनको समन्वय बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियों में मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में यदि भाजपा के अंदर की विघटन को रोकना चाहते हैं तो उन्हें संघ प्रमुख की बातों को गंभीरता से लेते हुए और संघ को मनाने पथाने के लिए भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो फाड़ हो सकती हैं, उसको लेकर चिंता भाजपा के अंदर देखी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज़ी के साथ बदल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो बजट का मुद्दा है, लोकसभा अध्यक्ष का मुद्दा है, ये बहुत सारी चीज़ें अगली राजनीति को, अगले आने वाले कुछ महीनों की राजनीति को बड़ी तेज़ी के साथ प्रभावित करेंगी। आज एक और नई बात हो गई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने जिस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर उसका ठीकरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ने की कोशिश की है, तो ये जो चिंगारी लगी है वो चिंगारी किस रूप में या बुझेगी या आग अपना दानावल रूप लेगी, ये कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन राजनीतिक अटकलें बढ़ती चली जा रही हैं और ये वाला जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वह संकट से भरा हुआ है और ये संकट उन्हें बाहर से कम पार्टी के अंदर से ज़्यादा मिलने की स्थिति बन रही है। और उसी तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिसमें आरएसएस की विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, यदि उनकी सोच में कहीं परिवर्तन आ गया कि यदि वो क्या कह रहे हैं कि ये सरकार जो काम कर रही है उसमें सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक पक्ष, न्यायपालिका कमज़ोर हो रही है, ये सब उन्होंने कहा है, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग भी अपने आप को मतलब जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी की सरकार को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे थे, वो ब्लाइंड सपोर्ट करने के स्थान पर अब वो भी सारी चीज़ों की मीसांसा करते हुए और निर्णय करने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसके कारण मोदी सरकार की मुसीबतें आगे चलकर और भी बढ़ सकती हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, पहली बार देश में लोग ये कह रहे हैं कि अब मोदी अपने ही लोगों से घिर गए हैं
और जब आदमी अपनों से गिरता है तब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि सामने वाले से लड़ना, दुश्मनों से लड़ना वो बहुत आसान होता है, लेकिन जहाँ अपने लोग होते हैं उनके बारे में यदि कोई हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है तो वो व्यक्ति को बहुत कमज़ोर करती है। जो गलतियाँ हुई हैं यदि उस पर तुरंत मलहम पट्टी लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया तो आगे आने वाले समय में राजनीति में और केंद्र की सत्ता में कोई बड़े विस्फोट होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह लोग कहने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा पर्दे के पीछे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें बहुत ज़्यादा संघ की विचारधारा का प्रभाव है, और एक समय था कि जब टिकटें भी बढ़ती थी तो संघ भी उसमें प्रमुखता से पार्टिसिपेट करता था। तो वही स्थिति संघ की ताकत जो भाजपा के अंदर आज बनी हुई है, वो यदि उसमें कोई विस्फोटक स्थिति आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल बड़ा मुश्किल होगा, यही कहा जा सकता है। नमस्कार।